हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम बनाना सीखेंगे रेजिन कृष्णा फ्रेम विथ मेटालिक स्टिकर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम 2:1 रेजिन यूज़ कर रहे हैं। रेजिन आपकी चॉइस है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 2:1 रेजिन लिया है। इसमें हम 50 ग्राम रेजिन लेंगे और 25 ग्राम हार्डनर मिक्स करेंगे। ये क्वांटिटी आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी है कि आप किस साइज़ का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 8 इंच मोल्ड यूज़ करूँगी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 50 ग्राम रेजिन लिया है और 25 ग्राम इसमें हार्डनर मिक्स किया है। नाउ अब हम इनको बहुत ही हल्के हाथों से 2 to 3 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जो रेजिन और हार्डनर का मिक्सचर है वो थोड़ा ट्रांसलूसेंट है, लेकिन जब ये आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे तो आप देखोगे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ अब हम इनको मिक्स करने के बाद इसको 2 हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। नाउ यहाँ पे मैं ब्लू पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ। ये ओपैक पिगमेंट है और ये बहुत ही थोड़ा सा लेना है आपको। मुझे थोड़ा कलर कम लगा था तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा कलर और डाल लिया है। नाउ अब जो सेकंड वाला ग्लास है उसमें मैं वाइट कलर मिक्स कर रही हूँ। नाउ इसमें थोड़ा शाइन देने के लिए मैं इसमें पर्ल पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ। ये भी आपको बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही मिक्स करना है। नाउ मैंने यहाँ पे 3rd ग्लास लिया है और दोनों साइड से दोनों कलर को एक साथ इसमें मिक्स कर दिया है। आपने जैसे इसको 3rd ग्लास में डाला है बस उसको वैसे ही यूज़ करना है। इसको किसी स्टिक से मिक्स नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है और इसको ऐसे ही हम मोल्ड में पोर करेंगे। अब हम इसको पूरे मोल्ड में अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। आफ्टर 3 to 4 आवर्स अब हम इसमें स्टोन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 3 to 4 आवर्स के बाद आपका जो ये रेजिन है वो पूरी तरीके से सूखा नहीं है, तो जो आपके स्टोन है वो अच्छे से इसमें चिपक जाएंगे। नाउ आफ्टर 24 आवर्स
जब आपका रेजिन पूरे अच्छे से सेट हो गया है, अब हम इसमें मेटलिक स्टिकर पेस्ट करेंगे। अब हम इसमें ट्रांसपेरेंट रेजिन पोर करेंगे। आफ्टर 24 आवर्स अब ये अच्छे से सेट हो गया है और अब हम इसको डिमोल्ड करेंगे। अब हम इसकी एजेस को क्लियर करने के लिए डीबरिंग टूल का यूज़ करेंगे। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।